Hello. Hello. Hi. Hi. Thank you so much. You're welcome. My name is Adesh and I am from village. And I am poor also. So my English like a Sonia Gandhi Hindi. Like आप हॉलीवुड मूवी डेढ़ घंटे में देखते हो ना, मेरे को 4.5 लग जाते हैं, डेढ़ घंटा डिस्प्ले में, डेढ़ घंटा सबटाइटल में, फिर डेढ़ घंटा दोनों को मिला के देखने में. लोग मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न लेके बैठते हैं, अकेला बंदा जो डिक्शनरी लेके बैठता है. और कुछ वर्ड पता है ना डिक्शनरी में भी नहीं मिलते, क्योंकि जब आप मूवी देखते हैं तो सबटाइटल में लिखा आता है एफ स्टार स्टार के. मैं डिक्शनरी में देख रहा हूँ मैं स्टार स्टार. स्टार स्टार तो है ही नहीं इसमें, जला दो इसको. लाइक जैसे मेरे को ना अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लाइक गांव में ना यूजुअली पता नहीं होती, वैसे तो 1 अप्रैल है बट यूजुअली लॉजिकली वो गलत है, क्योंकि आप 9 महीने पीछे जाओ, जुलाई का टाइम आता है और मैं गांव से हूँ, इतनी गर्मी पड़ती है ना भाई साहब, नहीं हो पाता. तो मैं अपनी मम्मी से पूछने गया अपनी डेट ऑफ बर्थ, मैं कि मम्मी मेरी डेट ऑफ बर्थ, मम्मी गुस्सा हो गई, कह रही है रामजादे मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश थी. तो कहने लगी दादी के पास जाओ. तो मैं दादी के पास गया, दादी का लॉजिक बड़ा अजीब होता है, लाइक आपको कोई कह दे तेरे पेट में ब्रेन ट्यूमर है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. मैं पूछा मैं कि दादी मेरी डेट ऑफ बर्थ कह रही है, तू तो जब हुआ था, जब रामू हुआ था. मैं कि रामू कब हुआ था, कह रही जब श्यामू हुआ था. मैं कि श्यामू कब हुआ था, कह रही जब महेंद्र. मैं कि महेंद्र कौन है, कह रही हमारी भैंस का बच्चा. तो मैं भैंस के बच्चे के पास गया, मना कर दिया उसने, कह रहा लाइक आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, बट कुछ कुछ चीजें ना मेरे को दिल्ली में आके पता चली, लाइक मेरे को यहाँ पे आके पता चला, मतलब दुनिया में भी ना 6 घंटे से ज्यादा लाइट आती है और बारिश आने पे लाइट नहीं जाती. पिटबुल और विंडीजेल अलग अलग है. मेरे को लगा दोनों गंजे, नोटी अमेरिका और कैप्टन अमेरिका भी अलग है. बस लड़कों को ही पता चल रहा है. लाइक काफी सारी चीजें मेरे को यहाँ पे आके पता चली. लाइक एक बार ना मैं सेंटर पार्क में, तो सीपी का सबने देखा होगा ना, तो मैंने वहां पे देखा ऐसे दो लड़के ना हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे, मेरे को लगा ओ फ्रेंड्स है. फिर वो एक दूसरे को हक करने लगे, मैं कि ओ बेस्ट फ्रेंड्स. मेरे को नहीं पता था कि ये वाला कॉन्सेप्ट. उनको देख के मैं अपने फ्रेंड को मिस करने लग गया. मैं उनके पास गया, उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मैं कि यार ऐसी दोस्ती तो देखने से भी नहीं मिलती. कहता है तुम बनोगे हमारे दोस्त. तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं थे दिल्ली में तब. तो फिर हम तीनों हाथ में हाथ डाल के बैठे हुए थे, वो मुझसे बातें किए जा रहे, कह रहे कि दिल्ली क्यों आए हम, लाइक दोस्त बनाने. कह रहा अपनी फेवरेट मूवी बताओ, मैं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर. कह रहा हूँ करण जौहर वाली, मैं कि हाँ. कह रहा फिर तो तू सही इंसान है. मेरे को उसने पता ही नहीं चलने दिया. कहने लगा यार मैं उस दिन अंकित के साथ डेट पे गया, हमने 3 घंटे तक हक किया, किसकी हमें बीच में इंटरप्ट कर दिया. मैं कि यार लड़की का नाम अंकित अजीब नहीं है. तब उसने मेरा हाथ टाइट पकड़ लिया, तब मैं डर गया. मैंने बोला आज छोड़ मेरा गला सूख रहा है, पानी पीने जाना. कह रहा हम पिलाएंगे. मेरे को तब भी आईडिया नहीं लगा वो गे है, मुझे लगा किडनैपर्स है. मैं वैन देखने लगे, मैं कि कहाँ पे है. बट मैं डर गया था, तो मैं पूछा मैं कि यार प्रॉब्लम बताओ ना क्या है, मेरी फट रही इधर. तो वो पहले तो खुश हो गया. फिर वो बोलता है ज्यादा मत हंसो, रिकॉर्ड हो रहा है. वो लोग कमेंट करके बोलेंगे वैचो फेक है, ला फेक है, उनको पता ही नहीं होता कि हंसते हैं लोग इतना. मैं फनी हूँ लाइक
लाइक जब वो खुश हो गया ना, तो मैंने बोला, तो मैं पूछा उससे क्या प्रॉब्लम है, कह रहा है यार हम ना गे है। तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, पर मैं तो नहीं हूँ। कहने लगा कोई नहीं, वी विल मैनेज। मैं कि मतलब क्या है आपका? तो मैं चिल्लाने लग गया, मुझसे ज्यादा वो चिल्लाने लग गए। मैं बोला मैं कि बचाओ बचाओ, वो कह रहे कि नहीं नहीं वी आर फ्रॉम यूट्यूब, इट्स अ प्रैंक। आई एम लाइक पर मेरी तो फट गई ना। कह रहा एग्जैक्टली यही हम चाहते थे। पर मैं घर आ गया था उस दिन, अच्छे से आ गया था। मैं मेट्रो में आया था, लेडीज कोच। मैं सोच लिया था मैं कि मैं 200 रुपए फाइन दे दूंगा, पर मर्दों के बीच नहीं खड़ा होने वाला। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉन्ट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर एंड आई अप्रिशिएट इट, आई लव इट, कम्युनिटी की हेल्प करना चाहता है वो, पर गूंगा आदमी क्या ही कर लेगा। और मैंने देख लिया यार, मोटिवेशनल स्पीकर बनना इतनी बड़ी बात है नहीं, बस एक स्टोरी चीज होती है जिसमें थोड़ा सा दुख और दर्द हो, फिर बाकी बीच में कुछ भी भर दो, कुछ भी। लाइक जब मेरे पास रहने को जगह नहीं थी तो मैं रेलवे स्टेशन पर रहा करता था, पटरियों पर हगा करता था, लोग आते रहते मैं हंसता रहता, लोग मुझ पे हंसते रहते मैं हंसता रहता, क्योंकि मुझे पता था अगर अब उठ गया तो दो पैर को फिर आना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई टास्क बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए रोडीज। चलो थैंक यू।